सो गाइस, फाइनली आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी वाले फीस ले रहे हैं, जिसके कारण स्टूडेंट जो है यहाँ पे काउंसलिंग भी नहीं करवा पाएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फीस लग रही है। तो कुछ यूनिवर्सिटी ने आपको उसमें राहत दी है, जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो आपका एक जो यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में मैंने आपको कल ही वीडियो बना के बताया था कि फॉर्म कैसे फिल करना है उसका ना, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो है गाइज, उसके लिए ओके, उसका जो है यहाँ पे फीस नहीं लग रहा है। तो आपका जो भी कोर्स है जिसके लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो और वो कोर्स है इस यूनिवर्सिटी में, तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पे आपका अमाउंट जीरो दिखाई देगा और फी जो है आपकी वहाँ पे नहीं लग रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को मैं दिल से थैंक्स देता हूँ यहाँ पे कि स्टूडेंट के लिए इन्होंने इतना सोचा। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है, और एक्चुअली ये जो बात है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट के द्वारा ही हमें पता चली, क्योंकि स्टूडेंट ने अपना फॉर्म फिल करके हमें सेंड करा। तो कुछ चीज़ें हमें आपके द्वारा भी पता चलती है यहाँ पे। तो अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हो, अगर कुछ दिक्कत हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ताकि हम बाकी स्टूडेंट को भी बता सके, ताकि सभी स्टूडेंट के लिए वो चीज़ यूजफुल रहेगा। तो ऐसा कुछ हो तो आप ज़रूर हमें शेयर करें। ओके, दूसरा जो यूनिवर्सिटी है वो आपका है इफ्लू, ठीक है। इसका पूरा नाम है द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। जैसे कि कोई एमए इन इंग्लिश में करना चाहता है, तो ये यूनिवर्सिटी आई थिंक आपका एमए के अंदर भी कोर्स जो फी है वो नहीं लेगी, क्योंकि यूजी के अंदर इन्होंने फी नहीं लिया है। यूजी में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें इन्होंने फीस नहीं ली। तो अभी तक तो ये दो यूनिवर्सिटी है जिसका फी आपका नहीं लग रहा है। तो जो हरियाणा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है, वहां पर भी अगर आपको अप्लाई करना है तो आप लोग कर सकते हो। और इस तरीके का कोई भी गाइस अगर आपको लगे जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, आपका पेमेंट वगैरह कोई यूनिवर्सिटी नहीं ले रही है, तो प्लीज हमें जरूर इन्फॉर्म करें व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि हम बाकी स्टूडेंट को भी बता सके और वो भी जो है काउंसलिंग करवा सके। क्योंकि जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनको एक घबराहट सी हो रही है कि यार इतनी फीस लग रही है, हम लोग काउंसलिंग करवाए या नहीं करवाए। और एक चीज आप यहाँ पे और कर सकते हो कि जो यूनिवर्सिटी ज्यादा, जैसे कि हजार हजार रुपये फीस लग रही है, तो उस यूनिवर्सिटी के लिए आप टेक कर सकते हो ट्यूट पे, आप फिर से कुछ ऐसा कर सकते हो। अगर हमारी तरफ से कुछ अपडेट होगा तो हम जरूर आपको इसके बारे में भी इन्फॉर्म करेंगे। तो फिलहाल आप लोगों के लिए ये दो यूनिवर्सिटी थी जिनका अपडेट हमने दिया। तो जिन स्टूडेंट के कम नंबर है वो भी यहाँ पे काउंसलिंग करवा सकते हैं। ओके, सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। होप करूंगा आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।